बीते दिनों भागलपुर नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अजमेरीपुर बैरिया में हुई भीषण आग लगे की घटना में देखते ही देखते सैकड़ों घर आग की चपेट में आकर राख हो गए थे, जिसमें करीब 200 घरों के लोगों के सिर से छत समेत सारा सामान जलकर खाक हो गया और ग्रामीणों की जिंदगी आगजनी में तबाह हो गई। आलम यह है कि अपना सब कुछ गंवा चुके पीड़ित परिवार किसी तरह खेतों या अन्य जगहों पर पन्नी तिरपाल के सहारे रहने को विवश हैं। बताया जा रहा है कि ग्रामीण राजीव के दो बहन पूनम और चांदनी की शादी होने वाली थी और शगुन से पहले ही भीषण आगजनी की घटना में अनाज, कपड़े, नगद रुपये और सामान के साथ सब कुछ आग की भेंट चढ़ गया, जिसके बाद गांव के लगभग सभी घरों में भारी बर्बादी और मातम का माहौल उत्पन्न हो गया है। हालांकि गुरुवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार गांव पहुंचे और हालातों का जायजा लेकर पीड़ित परिवारों का हाल जाना और सरकारी स्तर से संचालित सामुदायिक किचन की व्यवस्थाओं को देखा। बता दें कि सदर SDO और कई अधिकारियों ने गांव के लोगों के साथ जमीन पर बैठकर सामुदायिक किचन में तैयार भोजन किया और सभी पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति का आकलन करने के बाद जल्द ही मुआवजा राशि देने का आश्वासन दिया। देखिए, जो भी विभाग के जो नियम हैं उसके मुताबिक सामुदायिक किचन हम लोगों ने कल रात्रि से ही शुरू करवा दिया है। कल भी मेडिकल कैंप लगी थी, आज भी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे है और जो पशु चिकित्सक हैं वो उन्होंने भी सब जगह विजिट किया है। उन्होंने कल भी विजिट किया था और आज भी विजिट किया है और साथ ही साथ जो GR की राशि दी जानी है उसके लिए हम लोग आकलन करवा रहे हैं। लगभग आकलन कम्प्लीट है और लगभग 100 से 125 घर हैं जो चिन्हित हुए हैं। अभी स्पष्ट फिगर आ जाएगा जब आकलन कंप्लीट हो जाता है, तो उनको GR की राशि हम लोग आज ही दे देंगे और जो भी बाकी जो मकान या फिर जो खटाल जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उसका अभिलेख बन के जो भी उनका क्षतिपूर्ति बनेगा उसको उनको दे दिया जाएगा। सामुदायिक किचन में क्या कुछ अच्छा कि सामुदायिक किचन कल से शुरू कर दिया गया है और आज भी चला है और अभी दो कल भी आज शाम तक तो है ही और फिर कल पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। पॉलीथीन का भी वितरण किया जा रहा है लोगों में क्योंकि रहने में थोड़ी समस्या है। एक जगह पंडाल का भी निर्माण किया गया है ताकि लोग उसमें अभी चूँकि गर्मी का मौसम है तो सब लोग वहाँ पे रहता है। कितनी मेहनत करके जुटाए थे सब कुछ जेवर शादी के लिए, कैसे कैसे? वैसे खेती था, पशुपालन था, जो भी काम काज करके खेती में हुआ था, फसल कट गया था वो भी सब बेचू खोज करके सब चीज। दो शादी के लिए लगभग 2.5-3 लाख से ऊपर सामान था वो सब जल गया। 3.5 लाख रुपया पैसा था, डबल शादी था इसके लिए हम खर्च के लिए रखे थे। अपने जो गोदरेज होता है, जेवरात होता है, जो भी लगता है शादी में वो सब सामान। कहाँ शादी लगा थे? शादी लगा थे वो रंगड़ा में 83 डुमरिया में। हाँ, तो उस सबको मना कर दिया गया है कि सब चीज़ जल के राख हो गया है। अब हम संभलने के बाद अब किससे संभलेंगे आगे? फिर भी वो सब आने के लिए चाहता था देखने के लिए, इधर से बहुत परेशानी है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश अनुसार 13 मई को भागलपुर व्यवहार न्यायालय समेत नवगछिया और कहलगांव कोर्ट परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर गुरुवार को भागलपुर डालसा सचिव ज्योति कुमारी ने अपने कार्यालय विश्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डालसा सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बिना किसी खर्च के न्यायिक पदाधिकारियों एवं दोनों पक्ष की मौजूदगी में लंबित विवादों और मुकदमे का निपटारा किया जाता है। सचिव ज्योति कुमारी ने कहा कि बैंक लोन, BSNL, जमीन संबंधी विवाद, पारिवारिक विवाद, विवाह संबंधित मामले, सड़क दुर्घटना, बिजली विभाग, श्रम विभाग, सुलहनीय आपराधिक मामले और बीमा समेत सभी प्रकार के सिविल वाद की सुनवाई कर आपसी समझौता से लंबित मामलों का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव ज्योति कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में कुल 18 बेंच तैयार किया जा रहा है, जबकि नवगछिया कोर्ट परिसर में 6 और कहलगांव कोर्ट में सुनवाई के लिए 2 बेंच
तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शनिवार को समारोह पूर्वक राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ भागलपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष, जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान समेत कई लोगों द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा डालसा सचिव ने बताया कि इस बार भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव के एक एक गांव में जागरूकता रथ निकाली गई, जिसके माध्यम से लंबित मामलों के निपटारे और राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निष्पादन के लिए लोगों को जागरूक किया गया है। मई को लोक अदालत लग रही है, तृतीय लोक अदालत है, इसमें हम लोगों ने 26 बेंच बनाया है। इस बार भागलपुर में 18, नवगछिया में 6 और कहलगांव में 2 बेंच है। इसके लिए हम लोगों ने लगभग 28,000 नोटिस किया है। उम्मीद है कि पिछले बार से ज़्यादा इस बार डिस्पोजल होगा। पिछले बार 2716 था, उम्मीद है कि इस बार 2800 के लगभग हो डिस्पोजल। और इसके अलावा हम लोगों ने प्रचार के लिए जागरूकता रथ भी रवाना किया है, जो हर नवगछिया, भागलपुर और कहलगांव में जा जा के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके और लोक अदालत के यहाँ आएँ और अपने वादों का निपटारा करा सकें। हर बार लोक अदालत साल में 4 बार लग रही है, तो इस बार भी हमारा ये दूसरा लोक अदालत है और पहले भी डिस्पोजल हुआ है हमारे यहाँ से, तो हर बार धीरे धीरे वो संख्या बढ़ते जा रही है, तो ज़्यादा लोग जागरूक हो रहे हैं, तभी उनको पता है कि लोक अदालत में आते हैं और उनका समाधान हो जाता है, तो अपना कर रहे हैं, आते हैं। नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत किशनपुर बाईपास के समीप बुधवार की रात सीमेंट लेकर जा रहे ट्रैक्टर और मुर्गे से भरे मालवाहक गाड़ी की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मालवाहक गाड़ी का ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हो गया। इस घटना में गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना डायल 112 पर कॉल कर दी। वहीं इसके बाद मधुसूदनपुर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और नाथनगर रेफरल अस्पताल से एम्बुलेंस मंगाकर घायल को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि गंभीर रूप से घायल होने के कारण वाहन चालक कुछ भी नहीं बोल सका। फिलहाल चिकित्सकों द्वारा उसका इलाज जारी है। कैसे हुआ तो अब रोड पर हम लोग तो इधर से आ रहा था, उधर से आया, वो गाड़ी ने मारा ठोकर। भागलपुर नाथनगर के अजमेरीपुर बैरिया में हुई भीषण आगलगी से 200 परिवारों की जिंदगी देखते ही देखते आग में जलकर तबाह हो गई। वहीं इस घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री MLC शहनवाज हुसैन गांव पहुंचे। इस दौरान शहनवाज हुसैन ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका हाल जाना, जिसमें कई ऐसे परिवार शामिल हैं जिनके घर में बेटियों की शादी होनी थी, लेकिन इस भीषण आगजनी से हुई तबाही ने सभी के सपनों पर पानी फेर दिया। वहीं पीड़ित परिवार की बात सुनकर शहनवाज हुसैन ने बेटियों की शादी भाजपा नेताओं द्वारा सामूहिक और धूमधाम से कराने का आश्वासन दिया। इधर घटना के बाद से जिला प्रशासन के अधिकारी भी लगातार पीड़ित परिवार की मदद के लिए संपर्क में हैं और तत्काल सामुदायिक किचन के माध्यम से भोजन की व्यवस्था की गई है। वहीं भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने किचन के निरीक्षण के बाद कहा कि वो जिलाधिकारी से बात कर किचन की व्यवस्था और कुछ दिनों तक बढ़ाने की बात कहेंगे, जिससे पीड़ित परिवार के लोगों को भोजन संबंधी राहत मिल सके। साथ ही कहा कि भाजपा पीड़ित परिवारों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मैंने देखा है, मैं भी बहुत साल बाद यहाँ आया हूँ, लेकिन जब ये पता लगा कि यहाँ पे इतनी बड़ी आपदा आई है, कुछ बचा नहीं है, पूरी जिंदगी की कमाई लोगों की चली गई, घर जला, अनाज जला, कई बेटियों की शादी होनी थी वो भी, पैसा जो जमा था वो भी जल गया, जो कपड़ा लोग पहने हुए हैं उतने तक है, कम्युनिटी किचन तो चल रहा है, लेकिन सरकार को इनको अलग से मुआवजा देना चाहिए। मैं भी DM साहब से बात करूंगा और पार्टी की तरफ से भी जो हम लोग मदद कर सकते हैं वो करेंगे। ये दुख की घड़ी में अजमेरीपुर बेजिया पूरा इलाका, इसमें हम साथ में खड़े हैं, यहाँ के लोगों से बड़ा पुराना रिश्ता है। मैंने ही यहाँ पुल बनाया था तो ये इलाका तरक्की किया था, बिजली भी के तार भी जल गए हैं, बिजली का मीटर भी जल गया है, तो अनाप शनाप बिल न ले ले प्रशासन, ये भी इनको शंका है, सबको दूर करेंगे। भागलपुर के हबीबपुर थाना के समीप मोबाइल में अपने बेटे की तस्वीर लिए एक महिला सभी आने जाने वालों से अपने लापता बेटे के बारे में
पूछती नजर आई, लेकिन उस माँ के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। 5 दिनों से लापता अपने पुत्र को तलाशती माँ बेटी की तस्वीर दिखाकर हर किसी से यही पूछ रही थी कि क्या किसी ने उसके बेटे को देखा है। बताया जा रहा है कि महिला का बेटा मानसिक रूप से कमजोर और बोलने में असमर्थ है, जो पास के ही एक पेट्रोल पंप से 5 दिन पूर्व लापता हो गया था। इसको लेकर महिला ने बताया कि उसका बेटा रोशन पास के पेट्रोल पंप के पास घूमता रहता था और 5 दिन पहले उसी जगह से वह गायब हो गया है और काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी उसका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। महिला ने बताया कि उसने हबीबपुर थाने में अपने पुत्र की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस से भी उसे कोई मदद नहीं मिली है, जिसके कारण वह थाना के सामने ही खुद अपनी बेटी की तस्वीर लेकर लोगों से पूछताछ करते हुए लोगों से मदद की विनती कर रही है। महिला ने लोगों से गुहार लगाते हुए कहा कि जिसने भी उसके पुत्र को कहीं देखा हो वह उसे इसकी जानकारी दे, जिससे वह अपने बेटे तक पहुंच सके। साथ ही कहा कि उसके पुत्र रोशन ने सफ़ेद शर्ट और हाफ पैंट पहना है और वह कुछ बोल नहीं सकता है। बहरहाल अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले को कितनी गंभीरता से लेकर रोशन की तलाश में महिला की मदद के लिए आगे आती है। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। भागलपुर सुल्तानगंज के मुरारका महाविद्यालय परिसर के बाहर बिहार सरकार की जमीन पर रह रहे भूमिहीन महादलित परिवार के 6 सदस्यों के घरों को हटाने के लिए दलबल के साथ पहुंचे अंचलाधिकारी रवि कुमार के समक्ष भूमिहीन महादलित परिवारों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मुरारका महाविद्यालय के प्राचार्य अमरकांत सिंह के वाहन को भी भूमिहीन परिवारों ने आगे जाने से रोक दिया। इसके बाद प्राचार्य अमरकांत सिंह ने प्रदर्शन कर रहे परिवारों को नहीं हटाने की बात कही और ऐसा कहने पर भूमिहीन परिवार ने अमरकांत सिंह को आगे जाने दिया। वहीं जदयू जिला अनुसूचित जाति के अध्यक्ष महेश दास ने भूमिहीन महादलित परिवारों से मुलाकात कर उनकी बातों को सुना और कहा कि अभी तक इन लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन अंचलाधिकारी रवि कुमार अतिक्रमण मुक्त कराने के नाम पर इन्हें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही कहा कि सरकार एक तरफ भूमिहीन महादलित परिवारों को बसाने की बात करती है तो दूसरी ओर इन्हें उजाड़ने का प्रयास मुरारका महाविद्यालय के प्राचार्य की मिलीभगत से किया जा रहा है। महादलित परिवार का ही है, यहाँ कुछ लोग जिनको भूमि तो है ही नहीं और वो लोग चटिया झोपड़ी बना के यहाँ रह रहा था, अपना इसी में गुजर बसर कर रहा था। हमें तत्काल अभी पता चला कि यहाँ सब हमारे CO साहब आके उजाड़ रहे हैं, तो हम तुरंत यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ घर था, वो लोग 4-5 आदमी को लेके आए थे CO साहब, वो भी सरकारी आदमी नहीं, क्योंकि ग्रामीणों ने बताया कि वो लोग सरकारी आदमी नहीं था, कुल्हाड़ी दबिया वगैरह लेके आया था। तो क्या यहाँ गुंडागर्दी करने आया था या
बगैर नोटिस का घर उजाड़ने का मतलब क्या होता है? दलित परिवार का घर उजाड़ने का मतलब क्या होता है? सरकार बसाने की बात करती है और आप उजाड़ने की बात करते हैं। वहाँ के अभी तक नोटिस नहीं दिए सर, आया उधर से पांच लोग लेबर लेकर के उधर हसुआ टेंगारी का रास्ता लेके इसको डायरेक्ट उजाड़ने फिर गया। उसके बाद बोला प्रिंसिपल ने लेकर के आया, प्रिंसिपल यहाँ कॉलेज के गेट पर खड़ा था। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग जमीन चाहते हैं, रहने का व्यवस्था नहीं है, माटी भरवा के हम लोग जमीन चाहिए हम लोगों को। आप लोग महादलित परिवार? जी, महादलित परिवार में है। कितने लोगों का घर उजड़ा है? यहाँ 100 आदमी का। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी अपने बिहार भ्रमण के दौरान पूरी तरह से मिशन 2024-25 के चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं, जिसके कारण सम्राट चौधरी को कई जगहों पर बिहार का योगी भी कहा जाने लगा है। अगले वर्ष लोकसभा चुनाव होना है और इसमें अब कुछ महीने ही शेष बचे हैं, और ऐसे में सम्राट चौधरी द्वारा हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनमें जोश भरने और संगठन को मजबूती देने की दिशा में काम कराना चुनावी तैयारी का संकेत भी है। वहीं भागलपुर समेत बिहार के कई जिलों में सदस्यता अभियान के दौरान भारी संख्या में राजद और जदयू समेत अन्य पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी सम्राट चौधरी की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में भागलपुर के शाहजंगी साई नगर कॉलोनी में सदस्यता अभियान समारोह का आयोजन किया गया, जहां भाजपा नेता प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने करीब 250 लोगों को सदस्यता ग्रहण कराकर भाजपा में शामिल होने पर बधाई दी। बताया जा रहा है कि भाजपा में शामिल होने वाले अधिकतर सदस्य यादव समाज से हैं, जो राजद और जदयू के लिए आगामी चुनाव को लेकर बड़ा संकेत माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि बिहार में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक साथ यादव समाज के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जो पार्टी के प्रति विश्वास दर्शाता है। मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, जिलाध्यक्ष संतोष कुमार, कार्यक्रम संयोजक मनीष यादव, अभय वर्मन समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। और मनीष जी के नेतृत्व में पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। हम मजबूती के साथ आप लोग लगिए और पूरा सहयोग करके देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है और बिहार में भाजपा की सरकार बनाना है, इसके लिए हम आग्रह करेंगे। आगामी जो नाथनगर का विधानसभा है, वहाँ से भी कमल जो है निश्चित रूप से खिलेगा, कमल जो है निश्चित खिलेगा, चप्पा चप्पा जो है वो भाजपा रहेगा। और जो है, और खासकर जो हमारे यहाँ स्थानीय नेता हैं, हमारे यहाँ के महामंत्री हैं विजय मंडल जी, और क्या कहते हैं जिला की मंत्री सुनीता गोस्वामी जी, यहाँ विधानसभा के संयोजक श्री राम राय जी और जिला टेक्निकल सेल के रितेश घोष जी, और हमारे बड़े भाई माननीय अनिल यादव जी जो पूर्व सांसद हैं और कल गोपालपुर से प्रत्याशी रहे हैं, ऐसे सारे लोग जो हैं हम लोग आज यहां पे अपना परिवार कुनवा बढ़ता हुआ देखकर मन से बड़ा प्रफुल्लित हैं